और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जंतर मंतर और बोट क्लब जैसी जगहों पर प्रदर्शन पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। दिल्ली पुलिस से कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर प्रदर्शनों को लेकर गाइडलाइन बनाएं, मगर जो रोक जंतर मंतर और बोट क्लब पर जारी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि आप जल्द तय जो है गाइडलाइंस जो है वो बनाएं। निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ निपुण, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि बताइए और क्या क्या कहा अदालत ने। देखिए अभिसार, बोट क्लब में तो बहुत पहले से प्रदर्शन और धरना करने पर रोक है, बहुत जमाने पहले वहां हुआ करता था, लेकिन बाद में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने लगे थे, धरने होने लगे थे, जिसको पिछले साल अक्टूबर में एनजीटी ने यह कहते हुए रोक दिया था कि जंतर मंतर दरअसल कागजों के हिसाब से रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय क्षेत्र है और वहां पर लोग स्थायी रूप से बैठे रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, प्रदूषण होता है, इसलिए रामलीला मैदान को बाद में यह तय किया गया कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन होंगे, जिसे लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना और ये प्रदर्शन सत्ता का जहां पर केंद्र है, संसद है, उसके पास ही हो सकता है, रामलीला मैदान में नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस अधिकार को मान्यता दी है और दिल्ली पुलिस से कहा है कि इस तरह से ब्लैंकेट बैन, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, शर्तों के साथ, उचित शर्तों के साथ इजाजत मिलनी चाहिए। वो शर्तें क्या होंगी वो दिल्ली पुलिस तय करे, लेकिन जो एक पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया था सत्ता प्रतिष्ठान के आसपास धरना प्रदर्शन करने पर, वो अब हट गया है और दिल्ली पुलिस को नियम कायदे बनाने पड़ेंगे 2 हफ्ते के भीतर इसे लेकर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।